एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ रिलैक्सिंग एंड हाउ डू आई से रिजुविनेटिंग रीसेट काइंड ऑफ अ डे इन माय लाइफ. क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, वी आर इन दिस लाइक क्वाइट अ जोन कि जब हम वी आर कॉन्स्टेंटली वॉकिंग. वी डिसाइड किया है दैट फॉर द एंटायर डे आई एम नॉट गोइंग टू बी एक्टिव ऑन एनी सोशल मीडिया. क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप जाते हो तो एंड यू सी ऑल द अदर पीपल वॉकिंग एंड पुटिंग अप देयर कंटेंट, तो उससे भी लाइक काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड फील होता है. एंड यू थिंक दैट यू रियली कांट रेस्ट राइट नाउ एंड यू ऑल्सो नीड टू बी वॉकिंग. तो या मैंने डिसाइड किया दैट आई विल नॉट बी यूजिंग एनी सोशल मीडिया फॉर टुडे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे. तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ नमक मिर्च का पराठा. एंड इसके लिए यही दो की इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक एंड मिर्च. तो या लाइक बहुत ही सिंपल रेसिपी है. एंड मुझे याद है लाइक जब मैं पीजी में रहती थी तो दिस यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिश जो मैं बनाती थी, क्योंकि काफ़ी सिंपल है. और ऑलरेडी इसके लिए ना आपको कोई अदर स्टफिंग भी रेडी करने की ज़रूरत नहीं है. आटा पहले से लगा हुआ था तो इससे मेरा काम और भी ज़्यादा ईजी हो गया. अभी मैं जॉर्नलिंग करने वाली हूँ. तो बेसिकली आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन और लाइक मुझे अपने थॉट्स को पेन डाउन करना बहुत अच्छा लगता है. लाइक आई फील क्वाइट रिलैक्स्ड और मतलब काफ़ी ज़्यादा यू नो हल्का फील होता है व्हेन आई राइट डाउन एवरीथिंग. तो बस अभी मैं वही करूँगी. आई हैव गॉट माई डायरी एंड आई डू जॉर्नलिंग फॉर नाउ. एंड बहुत टाइम चला जाता है व्हेन आई डू इट ना. मतलब एक्चुअली जब मैं आराम से बैठ के अपना लाइक डायरी लिखती रहती हूँ तो बहुत टाइम चला जाता है इसमें. आफ्टर राइटिंग द जर्नल ना मैंने लंच किया और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था. सो आई जस्ट स्लेप्ट. मैं अभी लिटरली 15 मिनट पहले ही उठी होंगी एंड अभी शाम के 5 बज रहे हैं. तो आई विल क्विकली गेट सम वर्कआउट डन. मतलब कुछ ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला तो नहीं करूँगी बट आई थिंक कुछ लाइट वर्कआउट ही करूँगी मैं. शावर. तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम के तरफ. एंड आई नो मेरा रूम अभी बहुत ही गंदे हालत में है. आई मीन आई डोंट नो, मैं हर बार साफ करती हूँ बट लाइक दो तीन दिन में ना मेरे रूम की हालत अपने आप ही खराब हो जाती है. तो मुझे बार बार क्लीन करते रहना पड़ता है. सो दिस इज अ जुगाड़ू सेटअप वाला थिंग जो मैं बना रही थी विच इवेंचुअली बिकेम अ फ्लॉप. और वही कपड़े भी इधर उधर सब फैले हुए हैं. तो आई विल जस्ट क्विकली गेट दिस ऑल क्लीन फर्स्ट. Thank you.
एंड हियर इज अ क्विक अपडेट. सो अब मेरा रूम क्लीन है. तो अभी मैंने पूरा रूम क्लीन कर लिया है और उसके बाद आई एम फीलिंग लाइक यू नो क्वाइट गुड. क्योंकि जब आप अपने चारों तरफ को एकदम डीक्लटर करते हो ना, तो आपको बहुत लाइक मेंटली भी लाइक रिलैक्स्ड फील होता है. तो या लाइक क्लीनिंग अप योर रूम और लाइक इन जनरल क्लीनिंग अप योर सराउंडिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी थेरेप्यूटिक. आप ये जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा फील होता है. और अभी आई थिंक आई विल गो एंड अप्लाई अ ग्रीन टी वाला मास्क. दिस इज द मास्क दैट आई एम गोइंग टू यूज. ये है प्लम का ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क. और वैसे मैंने इसके बारे में लाइक काफी रिव्यूज पढ़े हैं, इनफैक्ट सारे अच्छे ही रिव्यूज थे. काफी टाइम से मैं चारकोल मास्क ट्राई कर रही हूँ, तो आई थॉट ये थोड़ा चेंज भी हो जाएगा. थिक है ये वैसे, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी इज लाइक बहुत ज्यादा थिक. पैकेजिंग में ऐसा लिखा था दैट वेट फॉर अबाउट 30 मिनट्स और अंटिल द मास्क ड्राइज कंप्लीटली. तो 30 मिनट्स इज लाइक क्वाइट ज्यादा, मतलब जितने भी नॉर्मल फेस मास्क होते हैं लाइक उन सबको हमें 15 मिनट्स तक मैक्स रखना होता है. एंड 30 मिनट्स इज लाइक कम्प्लीटली डबल. तो या लाइक ये थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है, बट एनीवेज आई सी कि ये कब तक ड्राई हो रहा है. तब तक मैं अपने बालों को डिटैंगल कर लूंगी, क्योंकि मॉनसून में ना स्पेशली बाल बहुत ज्यादा टैंगल होते हैं और फिजीनेस तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है. मास्क अभी ना ड्राई हो चुका है. वैसे इसके कलर में कोई फर्क नहीं है, मतलब ड्राई होने के बाद इसका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, बट मेरी स्किन खिंच रही है और मतलब कोई भी लाइक मॉइस्चर भी नहीं है. तो आई बिलीव कि ये ड्राई हो गया है. एंड नाउ आई क्विकली वॉश माय फेस. सो दिस इज द फेस अपडेट. वेल काफी ज्यादा क्लियर तो लग रहा है मेरा फेस, बट ये काफी ड्राइंग है, मतलब मेरे फेस को तो काफी ज्यादा ड्राई कर रहा है. और बट मैंने इसके जितने रिव्यूज पढ़े थे ना, तो सब लोगों ने बोला था कि इसका जो बेनिफिट है वो उनको ओवर द टाइम ही मिलता है, मतलब लाइक 3-4 बार अप्लाई करने के बाद ही उनको लाइक क्लियर स्किन का पता चलता है. सो आई विल गिव इट सम मोर टाइम एंड देन ही मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगी. बट लाइक पर्सनली मेरे लिए ये काफी ड्राइंग है. नाउ आई विल बी यूजिंग गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट स्किन रिपेयर फेशियल ऑयल. एंड दैट्स इट. आई थिंक आई विल एंड द व्लॉग ओवर हियर. तो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग डे था ये मेरे लिए. एंड लाइक मैंने अपने आप को अच्छे से टाइम दिया, अच्छे से पैम्पर किया एंड आई डू फील क्वाइट रिजुविनेटेड. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट मैंने सक्सेसफुली लाइक आई कुड स्पेंड दिस वन डे विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया. या लाइक आई थिंक अब मैं वीकली ना ये काम एक दिन जरूर करूंगी. लाइक आई विल टेक अ कंप्लीट ब्रेक सारे सोशल मीडिया से एंड फ्रॉम ऑल द वर्क बेसिकली.